हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूं द हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज है मंडे एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ज़्यादा न्यूज़ आएंगी, ठीक है। और जैसे कि आई भी एडिटोरियल्स आपके काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ 4 एडिटोरियल्स तो हैं जो कि हमें आज डिस्कस करने हैं। ऑल राइट, तो आज डेट है आपकी 24th of May। ऑल राइट, तो आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है वो देखेंगे। और रेगुलरली ये जो क्लास है आपकी द हिंदू की, वो होती है सुबह 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आपकी रेगुलरली क्लास होती है। ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देखिए, अन अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है न्यू प्राइजेस, ठीक है, जहाँ पर नए प्राइजेस आप लोगों के लिए आ चुके हैं। तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है, नए प्राइजेस यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है कि अगर आप लोगों को अपनी UPSC की जो तैयारी है वो अन अकेडमी पे करनी है, तो अन अकेडमी उसके लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है लोन की सुविधा। तो अन अकेडमी यहाँ पर आपको लोन की सुविधा दे रहा है, यानी कि आप लोन ले सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन अन अकेडमी। ऑल राइट, उसके बाद देखो यहाँ पर है आपका UPSC CSE का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। अब ये क्या है, देखो जैसे आप लोग पहले 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते थे तो वो वैलिड होता था ओनली फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए ही वैलिड रहता था। बट यहाँ पर अब क्या हो गया है कि इसमें ना 4 मंथ्स कर दिए गए हैं एक्सटेंड, तो 4 महीने इसमें एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसकी वैलिडिटी हो जाती है इंक्रीज। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर है अनअकैडमी का कॉम्बैट, ये है लाइव क्विज, हर संडे को होती है, ठीक है, हर संडे को 11 बजे होती है। आप लोग चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल राइट, और अगर पार्टिसिपेट करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर है आपके नए बैचेस आए हैं, तो जो भी एस्पिरेंट 2021-22-23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पर इन बैचेस में ज्वाइन इन कर सकते हैं। 26th of May से ये बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है। कोड क्या है, वो कोड है आपका StudyIAS, यानी कि जो चैनल का नाम है वही है आपका कोड। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा ऑफ। तो ये जो 10% है इसको अवेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको StudyIAS जो कोड है उसको डालना है और आपका यहाँ पर बेसिकली आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऑफ अवेल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल का नाम डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, और मेरे पास आंसर्स आए हैं 4 लोगों के। एक ब्रिजेश का आंसर आया है, ठीक है, ब्रिजेश, समीर और खुशी, ठीक है, और अमित का आंसर आया, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखो कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग वर्षा, अभिलाष, समीर, सिमरन, साक्षी, सचिन, रामकुमार, अभिषेक, दीक्षा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था इसमें था कि आपको कंसिडर करने हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें से जो पहला स्टेटमेंट था वो था आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे। यहाँ पे पूछा गया था जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं दे आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं दे आर लेंडिंग रेट्स आर बेस्ड ऑन द आइदर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट और ऑन द रेपो रेट। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत था, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही था, ठीक है। तो आंसर इसका ए है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर बात हो रही है आपके सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स दिए गए थे साइक्लोन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थे वो 2 स्टेटमेंट थे कि एनी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिक्वायर एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड दिस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वार्म वाटर आर ह्यूमिड एयर ओवर द ट्रॉपिकल ओशन, ठीक है। तो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स एनुअली अ ग्रेट नंबर ऑफ साइक्लोन्स आर डेवलपिंग ओवर अरेबियन सी एंड ऑल दैट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, ठीक है, ए इसका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए फिर आगे जो आपका थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर है सी, ठीक है, एंड आई थिंक ये मोस्ट ऑफ लोगों का सही रहा है। और फिर फोर्थ का आंसर है डी, ठीक है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी गई थी वो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब अपने एनालिसिस से, ठीक है। तो पहला आर्टिकल जो है आपका ये बात कर रहा है, देखो जो सेंटर है, सेंटर और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स यहाँ पे बोल रही हैं कि कम से कम आपके जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल में एक पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिस मीटिंग में
यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारे बेसिकली जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखो पैंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है, पिछले साल भी यही हुआ था कि 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। और ये आप लोगों को पता है कि ये जो एग्जाम्स होते हैं ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनका आगे का जो फ्यूचर होता है वो इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो अगर इन्हीं को पोस्टपोन कर दिया जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आने की संभावना रह सकती है। तो इसी वजह से अभी क्या किया गया है कि यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्स थे तो 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको यहाँ पे बोला गया है कि इनको कंडक्ट कराना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरकार किसी भी तरीके का मेजर ले सकती है, या तो आप बहुत जल्दी एग्जाम करा दो, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दे दो, छोटे छोटे क्वेश्चंस दो, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस मत दो, सारी चीज़ें उसी हिसाब से करा दो जो आपकी सुविधा में आती हैं और जिससे बच्चों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, कोई इशू नहीं आए। तो उसी हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम्स कराने की सोचोगे, छोटा पेपर रख दो, ठीक है, और यहाँ पर इस हिसाब से रख दो कि आधे बच्चे इतने टाइम पे आएंगे, 15-15 बच्चे करके बुला लो एक एक स्कूल में, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक तो बच्चों का एग्जाम हो जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि देखो COVID-19 में जो सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करके रखनी है, जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं वो भी यहाँ पे मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार को अभी हाल फिलहाल में सोचनी चाहिए एंड दे इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ओके, तो ये इस आर्टिकल में आपका यही बात करी गई है कि 12th के एग्जाम्स होना, बोर्ड एग्जाम्स होना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सरकार को देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो लोग यहाँ पर एग्जाम करा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो आपका जो साइक्लोन है, इट्स अ वेरी सिवियर साइक्लोन, क्या नाम है इसका, यश नाम है इसका, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये हिट करेगा आपके नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो साइक्लोन देखे हैं, ठीक है, एक आपका जो साइक्लोन था ये इंडिया का अगर हम निचला हिस्सा देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल होता है और ये है आपका अरब सागर, ठीक है, दिस इज योर अरेबियन सी एंड दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो अभी जो आपका साइक्लोन ताउती आया था वो आया था अरब सागर की तरफ, ठीक है, और अभी जो आपका साइक्लोन, जो दूसरा साइक्लोन आ रहा है, जो साइक्लोन है यास, इसका नाम दिया गया है ओमान द्वारा, ओमान ने इसका नाम दिया है यास, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइक्लोन है ये आपका लाइकली हिट करेगा कहाँ पर, उड़ीसा में, बंगाल में, ठीक है, तो इन यानी कि ईस्टर्न कोस्ट वाला जो एरिया है आपका वो यहाँ पर काफ़ी हद तक अफेक्ट होने वाला है आपके इस पर्टिकुलर साइक्लोन से। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है ये आपका काफ़ी हद तक सिवियर हो सकता है और यहाँ पे पीएम ने रिव्यू भी किया है कि किस तरीके की यहाँ पे प्रेपरेशन चल रही है, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट जो साइक्लोन हमने देखा था उसमें लैंडफॉल भी देखे गए थे गुजरात में होते हुए। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर हमें पहले से तैयारी करके रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे नेवी वगैरह को डिप्लॉय कर दिया जाता है कि यहाँ पे जैसे ही आपका एक्सपेक्टेड होता है, आईएमडी हमें पहले से बता देता है, जो आपका इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हमें पहले से ही यहाँ पे अवगत करा देता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। तो उसी के हिसाब से जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी मेजरमेंट, जितनी भी चीज़ें हमें प्रिवेंशन करनी होती है वो हम तुरंत उससे स्टार्ट कर देते हैं। अभिषेक, साइक्लोन का नाम कौन रखता है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ना एक पर्टिकुलर हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट टुडे, ठीक है, कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, तो वी आर डिस्कसिंग इट एवरी डे। तो आप एक काम करना, आप या तो कल की वीडियो देख लो, ठीक है, नहीं तो देयर इज़ अ वीडियो ऑन करंट अफेयर्स डिकोडेड जिसमें आपके PIB, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, और द हिंदू के जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मैं उसमें कवर करती हूँ, तो देयर ऑल्सो आई हैव कवर्ड। तो अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप वो देख लो, और नहीं तो आप चैनल पे एक वीडियो है उसको देख लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इसी के बारे में बात करी गई है। अभी देखा जा सकता है कि मई 26 इवनिंग को आपका ये जो साइक्लोन है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और बहुत सारे हाई रिस्क पे हैं ये जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडिया टू पुश फॉर WHO यूरोपियन यूनियन अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन। अभी देखो क्या हो रहा है कि कंसर्न्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो इंडियंस हैं जो रिसीव कर रहे हैं आपकी कोवैक्सीन वैक्सीन, दे मे नॉट गेट रिलैक्सेशन इन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। ओके, सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो हेल्प करेगा टू इंश्योर दैट जो आपकी हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक है, ठीक है, तो यहाँ पे उनको क्लियरेंस मिल जाए आपके WHO से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से, ठीक है, ताकि ये लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे दे हैव बीन टास्क्ड विद स्टडिंग द मैटर गिवन बोथ द नीड फॉर रिकॉग्नाइजेशन फॉर इंडियन मेड वैक्सीन, ठीक है। तो आपको पता है कोवैक्सीन जो है वो हमारे इंडिया में बनी हुई है, ठीक है, तो किसके द्वारा बनाई गई थी, ये भारत
बायोटेक द्वारा, ठीक है, भारत बायोटेक द्वारा। और यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे देश में दो वैक्सीन हैं, एक है आपकी कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन है, दूसरी है कोविशील्ड। भारी मात्रा में तो ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड ही लग रही है, ठीक है। और जो आपकी रशियन बेस्ड वैक्सीन है वो है आपकी स्प्यूटनिक, ठीक है। स्प्यूटनिक भी यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था कि इसकी 10 मिलियन डोज जो थी वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है और यहाँ पे ये भी लोगों को लगना स्टार्ट हो जाएगी। और तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इंडिया पुश कर रहा है WHO को और जो है आपका यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को, ताकि वो लोग यहाँ पे अप्रूवल दे दें कोवैक्सीन को, ठीक है, जो कोवैक्सीन है उसको यहाँ पे अप्रूवल दे दें, ठीक है, ताकि जो उसके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग रहे हैं ना उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो जो आपका रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहां पे हमने देखा है कि वहां पर अभी जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, ठीक है, काफी हद तक यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है जो आपका कॉन्गो में वोल्केनो यहाँ पर जो इरप्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मैप में तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो आपका जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है यहाँ पे ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका इक्वेटर है, इक्वेटर भी यहाँ से पास होता है, ठीक है, इक्वेटर भी यहाँ से पास होता है आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। तो यहाँ पर ये जो आपका वोल्केनो है इसका नाम है नायरा कॉन्गो इसका नाम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इरप्ट हुआ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखो वोल्केनोज अगर देखा जाए तो वोल्केनोज क्या होते हैं, बेसिकली वोल्केनो एक वेंट होते हैं, यानी कि एक ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, जहां से क्या होता है जो आपका मोल्टन मटीरियल होता है वो इरप्ट होता है सडनली फ्रॉम अ मैग्मा चेम्बर, ठीक है, एक मैग्मा चेम्बर होता है, ठीक है, उससे आपका जो बेसिकली जो मोल्टन मैग्मा है, जो मोल्टन मटेरियल है वो यहाँ पे इरप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ड्यू टू वेरी हैवी हाई टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ रॉक्स होती हैं वो स्लोली स्लोली मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं एंड दे टर्न इनटू अ वेरी थिक फ्लोइंग मैटर जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। और सिंस इट इज लाइटर देन सॉलिड रॉक्स अराउंड इट सो द मैग्मा राइजेस, ठीक है, जो मैग्मा होता है वो यहाँ पे राइज करना शुरू कर देता है एंड इट गेट्स कलेक्टेड इन योर मैग्मा चेम्बर्स तो विच इवेंचुअली पुशेस थ्रू दीज फिशर्स एंड वेंट्स इन द अर्थ सर्फेस। तो जर्नली अगर देखा जाए तो जहाँ पर द जर्नली फाउंड वेयर टेक्टोनिक प्लेट, जहाँ पे आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे कि आपकी यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक है, सोमाली है, तो ये यहाँ पर जो डाइवर्जन और कन्वर्जन होता है उसकी वजह से हमें ये वोल्केनिक एक्टिविटीज फॉर्म होती हुई नजर आती है। तो जो वोल्केनोज हैं वो ज्यादातर दे आर अकरिंग इन द मिड ओशन रेंज, ठीक है, ओशनिक रिज एंड रिंग ऑफ फायर, रिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सबको पता ही होगी क्योंकि वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो वोल्केनोज वगैरह हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखा जाए कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो कैसे हैं, तो देखिए बेसिकली क्या है, इन जर्नल अगर देखा जाए तो वोल्केनोज को हम डिवाइड कर देते हैं उनके बेसिस पे, टाइप ऑफ इरप्शन पे और उनका जो पीरियड है इरप्शन का उसके हिसाब से। तो अगर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इरप्शन देखा जाए तो जो नेचर होता है आपके इरप्शन का वो मेनली डिपेंड करता है जो विस्कोसिटी होती है आपके मैग्मा की, और वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी बेसिक और दूसरी होती है एसिडिक। अब ये जो बेसिक होती है, जो बेसिक मैग्मा होता है आपका, वो डार्क कलर जैसा होता है, बेसिल जैसा, इट इज रिच इन आयरन, आयरन रिच होता है ये, मैग्नीशियम, ठीक है, और सिलिका में पुअर होता है, ठीक है, सिलिका बहुत मतलब इसका पुअर इसमें होता है, बट आपका आयरन और मैग्नीशियम इसमें रिच होता है। बेसिकली ये ट्रैवल करते हैं फार एंड जनरेट करते हैं ब्रॉड शील्ड वोल्केनोज को। एसिडिक की बात करें, एसिडिक होते हैं आपके लाइट कलर में, लो डेंसिटी होती है इनकी, हाई परसेंटेज होती है सिलिका की, एंड देयरफॉर इट मेक्स अ फेमिलियर कोन वोल्केनो शेप, ठीक है। इसके बाद देखो बेसिक अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इरप्शन देखें इनका, तो देखो आपके एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, डोरमेंट वोल्केनोज होते हैं और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज होते हैं। नाउ व्हाट आर एक्टिव वोल्केनोज, देखो ये क्या है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली इरप्ट करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप सुनोगे तो आपको, आप लोगों को पता होगा, आप लोग मुझे बता सकते हो, ये आपका होमवर्क है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा आपको एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपके ज्यादातर आप लोगों को सुनने में आए कि ये अभी यहाँ पर वोल्केनो इरप्ट हो गया, जो ज्यादातर इरप्ट होते रहते हैं। तो जो बहुत ज्यादा ही फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते हैं, दे आर लोकेटेड अराउंड द रिंग ऑफ फायर, ठीक है, इसमें ऑलरेडी बता दिया है। जैसे आपका माउंट स्ट्रॉम्बली है, माउंट स्ट्रॉम्बली वो बेसिकली आपका एक्टिव वोल्केनो है। इसके अलावा कौन कौन से हैं ये आप मुझे होमवर्क में बताना, ठीक है, होमवर्क चेंज हो गया, आप लोग बताओगे स्ट्रॉम्बली के अलावा कौन कौन से ऐसे एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे इरप्ट होते हुए नजर आते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रोड्यूस करता है सो मच ऑफ गैस क्लाउड्स, ठीक है, और इसकी वजह से इसको बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी पता चल गया ये कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी के पास में है, ठीक है। तो उसके बाद देखो डोरमेंट वोल्केनो की अगर बात करें तो दे आर नॉट एक्सटिंक्ट,
बट हैव नॉट इराप्टेड इन रीसेंट हिस्ट्री. तो मतलब काफ़ी टाइम टाइम तक ये यहाँ पर इराप्ट नहीं होते हैं, और जो डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं दे मे इराप्ट इन फ्यूचर. ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर में ये इराप्ट हो जाएं, जैसे कि आपका माउंट किलिमंजारो है. ठीक है, माउंट किलिमंजारो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, तंजानिया में. हाईएस्ट माउंटेन है आपके अफ्रीका का, और इसको बोला जाता है भाई डॉर्मेंट वॉल्केनो. वेरी गुड विशाल, माउंट एटना है, बिल्कुल सही. एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव वॉल्केनोज की अगर बात करें हम, तो दे वर्क इन डिस्टेंट जियोलॉजिकल पास्ट. ठीक है, एंड मोस्ट केसेस में ये जो क्रैटर होता है आपके वॉल्केनो का, ये ना पानी से भर जाता है, एंड इट मेक अ लेक ऑल्सो. तो जैसे कि आप डेक्कन ट्रैप देख लो, ठीक है, इंडिया में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इनके एग्जाम्पल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप लोग इसको जाके एक बार सर्च करना, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले आपको कमेंट में डालनी ही डालनी है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए माइनर फेस ऑफ चल रहा है गलवान वैली में. अब ये जो फेस ऑफ है ये किसके बीच में है, ये है आपके जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो हमारी इंडियन आर्मी है, और दूसरे हमारी जो चाइना की आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर फेस ऑफ चल रहा है. और ये वैसे भी अगर बात करें इसकी हम, तो देखिए जो गलवान वैली है वो आपकी ईस्टर्न लद्दाख की तरफ आती है. ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर वैसे भी हमने देखा था कि 2020 में पूरा एक साल तक यहाँ पर स्टैंड ऑफ चला था. किसके बीच में, आपके इंडिया और चाइना आर्मी है दोनों के बीच में, जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर काफ़ी हद तक हम लोगों को स्टैंड ऑफ देखने को मिला था. ठीक है, दोनों में आपस में काफ़ी लड़ाई यहाँ पर रही थी, और उसकी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा जो जवान थे वो यहाँ पर शहीद भी हो गए थे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि एक माइनर फेस ऑफ चल रहा है आपके गलवान वैली में, जिससे हमारी जो आर्मी है, आर्मी ने साफ साफ इस चीज़ पे डिनाई किया. उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली दोनों के बीच में अभी डिसएंगेजमेंट भी हो गया था 2021 में, हम लोगों ने यहाँ पर डिसएंगेजमेंट देखने को मिला था दोनों ही आर्मीज के बीच में. और यहाँ पे जितने बाकी की जो बचिया एरिया था, ठीक है, जैसे आपकी गोगरा वगैरह वाला एरिया हो गया, हॉटपॉट वाला एरिया हो गया, वहाँ पर भी जो एक पर्टिकुलर दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था वहाँ पर भी डिसएंगेजमेंट होता हुआ नजर आया. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक खबर आई कि भैया कहीं लगता है हमें कुछ माइनर सा फेस ऑफ चल रहा है गलवान वैली में, पर यहाँ पर आर्मी ने साफ साफ मना किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. जो इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी इशू दोनों में देखने को नहीं मिल रहा है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो सिंगल डोज है, सिंगल डोज ओनली 33% इफेक्टिव अगेंस्ट योर B.1.617.2 यूके. तो बेसिकली क्या है कि यूके के द्वारा ये चीज बताई गई है कि एक सिंगल डोज है, यानी कि देखो आप जब भी वैक्सीन लगाने जा रहे हो बेसिकली, तो क्या है कि पहली डोज लगवाते हो आप, तो ये जो पहली डोज है, ये जो फर्स्ट डोज है आपकी, तो कहा गया है कि भैया ये ना सिर्फ 33% इफेक्टिव है, 33% इफेक्टिव है ये. यहाँ पर अगर देखा जाए, हम ये वेरियंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये इंडियन वेरियंट है. ठीक है, आपको ये वेरिएंट वगैरह जो है ये आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ये पहले आइडेंटिफाई किया गया था इंडिया के अंदर, और उसके बाद ये धूम मचा रहा है कहाँ पर, यूके के अंदर. यूके अभी हाल फिलहाल में, यूके के जो लोग थे वो सोच रहे थे कि भैया हम अपना जो लॉकडाउन है उसे रीओपन कर देते हैं. ठीक है, अब नॉर्मलाइज होने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर से अपना जो लॉकडाउन है उसे मतलब हटाने में बहुत ज़्यादा कतरा रहे थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि ये जो वेरिएंट यहाँ पे फैल रहा है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे भी ऐसे केसेस ना फैलाते. क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे यहाँ जो सेकंड वेव है उसके तहत यहाँ पे जितने भी संक्रमण हुए हैं, ठीक है, जितने ज्यादा लोग यहाँ पर संक्रमित हुए हैं वो क्यों हुए हैं, डबल म्यूटेशन की वजह से, ड्यू टू डबल म्यूटेशन. ऑलराइट, और हमें काफ़ी सारी ये जो वेरिएंट्स थे, जैसे यूके का भी वेरिएंट था जिसने इंडिया पे इफेक्ट किया था. ठीक है, आपका अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, तो ये सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं. और जो सबसे ज़्यादा आपका अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा घातक जो वेरिएंट चल रहा है वो है इंडिया का वेरिएंट. ठीक है, और इंडिया का ये जो वेरिएंट है क्या है, ये B.1.617.2. ठीक है, इसका नाम याद रखना, इंडिया का वेरिएंट है ये. तो यहाँ पे एक स्टडी करी गई थी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड द्वारा, तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि भैया यहाँ पर अगर आप पहली डोज लगवाते हो तो आप सिर्फ 33%, यानी कि आप समझ सको कि अगर 100% में से देखो कि आप लोग सोच रहे हो कि आप 100% यहाँ पर इजीली लड़ सकते हो, ठीक है, किसी भी वेरिएंट से, तो नहीं, आपकी जो सिंगल डोज रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 33% तक यहाँ पर इफेक्टिव है आपके इस पर्टिकुलर वेरियंट के तहत. बिल्कुल ठीक विशाल, जो आपका B.1.351 है वो साउथ अफ्रीका है, P.2 है आपके ब्राज़ील का, और यूके का है B.1.17
वेरी गुड। तो ये सारे जो वेरिएंट्स है ना, इनके आपको नाम याद रखने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गए तो आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके चलो, और यहाँ पे आपको वैसे भी पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोविशील्ड के पीछे ही भाग रहे हैं, कोविशील्ड ही लगवा रहे हैं। अगर आप देखोगे भी, अगर बुक करने की भी देखोगे, तो वहां पे आपको कोविशील्ड वैक्सीन ज्यादा ही देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर चिल्ड्रंस एट लिमिटेड रिस्क फॉर सिवियर COVID-19। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है कि मॉनिटर किया जा रहा है किसी म्यूटेंट स्ट्रेन पर, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं, अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ बच्चों को वैक्सीन लगना स्टार्ट तो हुआ नहीं है, ठीक है। बहुत जगह स्टार्ट हो गया है, US में स्टार्ट हो गया है, UK में भी अप्रूवल मिल गया है फाइजर को, वहाँ पर भी आपका जो वैक्सीन है वो भी लगना स्टार्ट हो गई है बच्चों को। बट हमारे यहाँ सोचा जा रहा है कि बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्या उन पर ज़्यादा सिवियर इफेक्ट होगा इस चीज़ का या नहीं होगा, क्या उन्हें पैंडमिक यानी कि COVID-19 जो है वो उन पर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ट्रांसमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर अभी बहुत गड़बड़ा रही हैं। दे आर नॉट क्लियर अबाउट दिस थिंग कि यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे अभी कोवैक्सीन को यहाँ पर बोला गया था कि भाई आप लोग यहाँ पे ना ट्रायल करो, ठीक है। 2 साल से लेकर 17 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर यहाँ पर आप देखो कि इनके वैक्सीन लग सकती है कि नहीं लग सकती है, ठीक है। कौन सी वैक्सीन यहाँ पर बच्चों को इफेक्टिव रहेगी, कौन सी वैक्सीन से जो बच्चों में, देखो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अभी तक तो यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि बेसिकली कौन, मतलब यहाँ पे कौन सी, वो बेसिकली आपकी जो मिनिस्ट्री होगी वो बेसिकली इस चीज़ को हैंडल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो चिल्ड्रंस हैं दे आर लिमिटेड रिस्क फॉर सिवियर COVID-19, दो दे विल कंटिन्यू टू बी सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिटर। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस है अभी जो हमारी इंडियन अकेडमी जो आपकी पीडियाट्रिक होती है, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया इसी चीज़ के ऊपर कि यहाँ पर अभी इट्स नॉट क्लियर कि बच्चों के वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है आपके एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में। अब देखो क्या है कि यहाँ पर जो बेसिकली जो आपकी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर मेंटल हेल्थ पर कॉल सेंटर्स वगैरह भी स्टार्ट किए हैं। तो बेसिकली उनको करीब 26,047 कॉल्स जो हैं उन्होंने रिसीव करे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो देखो क्या है कि कोविड की ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन से क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोगों में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो क्या है ना कि हम लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ दिमाग में बैठ गई है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो वी आर लाइक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं घर के अंदर ही, बहुत आसपास अपने जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में ऐसी ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि आज इसको कोविड हो गया, आज उसको कोविड हो गया, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, यहाँ पे इतने सारे केसेस देख रहे हैं। क्योंकि देखो अगर पिछले साल का कंपैरिजन करें इस साल पे, तो देखो पिछला साल तो बहुत ज़्यादा सिवियर रहा था। सिवियर क्यों रहा था? क्योंकि पिछले साल में जो ये बीमारी थी वो एकदम से आई थी, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो लाइक अभी भी 2021 में भी वी वर नॉट दैट वेरी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पर जो केसेस होंगे वो 4 लाख तक चले जाएंगे, ठीक है, एवरी डे हम लोग 4,000 तक यहाँ पर डेथ देखेंगे। तो ये किसी, कोई भी इस चीज़ पे प्रिपेयर्ड नहीं था। पिछले साल भी सेम चीज़ थी, पिछले साल तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड ऑफ लाइक, बहुत सारे लोगों को तो कोविड के बारे में पता भी नहीं था। एक पर्टिकुलर केस आया, उस एक पर्टिकुलर केस से यहाँ पर 100 बनते गए, 100 से यहाँ पे 1 लाख बने, और बनते 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 दूसरा साल भी हमारा कुछ इसी तरीके से निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है। देखो अगर एस्पिरेंट्स की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी तो हम लोग UPSC के प्रस्पेक्टिव से अगर बात करें, तो देखिए एस्पिरेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने एग्जाम के लिए, एंड हम लोग पूरा 1 साल लगा देते हैं एग्जाम की तैयारी करने में, या फिर बहुत सारे लोग 2 साल तक प्रिपेयर करते हैं, 3 साल तक प्रिपेयर करते हैं। और वो जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक जल्दी रिजल्ट भी चाहिए होता है कि हम कब अपना एग्जाम देने जाएं और कब इस पर्टिकुलर टेंशन से फ्री हो। वैसे भी एस्पिरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ठीक है, सिर्फ एस्पिरेंट नहीं, अगर आपका 10th और 12th का बच्चा भी है, ठीक है, उनको अपने बोर्ड्स की टेंशन होती है। तो यहाँ पर क्या है, उस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के दिमाग में ये हो गया कि अब हमारी प्रिपरेशन जो है, बहुत से स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन थी वो बेसिकली यहाँ पर परेशान हो गए थे, ठीक है, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कहीं हमारा साल बर्बाद ना हो जाए, ये नहीं हो जाए। IIT के बच्चे थे,
ठीक है, आपके मेडिकल के बच्चे हैं, उन सबके एग्जाम किस प्रकार से एग्जाम देने जाएं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ाई हो भी नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप मेंटली इतना ज़्यादा वीक हो जाते हो आसपास की चीज़ें सुनने से। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक जिनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को खुद ब खुद हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद भी यहाँ पर अगर हम अपनी फैमिली में लॉस देखते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि ना कि उससे आपको बहुत सिवियर कॉजेज भी फेस करने को मिलते हैं, आप एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हो, कहीं आपको एग्जाम की टेंशन है, ऑलरेडी स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाए तो वो क्या है ना कि इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों पे। तो एंजाइटी और डिप्रेशन जो है देखो वो टॉप कंसर्न्स बन गई अभी की। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पर जो आपकी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उन्होंने मेंटल हेल्थ पर कॉल सेंटर्स खोल दिए कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई भी ऐसी बात है, तो आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हो, सो दैट यू शुड गेट अ प्रॉपर मेडिकेशन, मेडिकेशन नहीं कह सकते, प्रॉपर आपको एडवाइस मिल सकती है कि आप किस तरीके से उसको हील कर सकते हो। बाकी देखो स्ट्रेस डिप्रेशन ये सारी चीज़ें हैं, बट उसके लिए आप लोग योगा करो, मेडिटेट करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 मिनट भी मेडिटेशन करते हो तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा एंड इट विल हेल्प यू विद योर स्टडीज ऑल्सो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम आपका कोई हल्का पुल्का एग्जाम तो नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम जो है वो आपका पूरा आपका करियर डिसाइड करता है, किस प्रकार से आप लोग आगे वर्क करने वाले हो, सारी चीज़ें यही एग्जाम आपके लिए डिसाइड कर रहा है। तो इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि आप लोग किस तरीके से परफॉर्म करोगे, किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी पे बरकरार रखो, ठीक है, आसपास की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, खबरें थोड़ी सी कम पढ़ो, ठीक है, जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, तो प्लीज़ उनसे तो आप लोग बहुत दूर रहें, और मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखें क्योंकि ये यहाँ पर एक कंसर्न बनता हुआ आ रहा है। ऑल राइट, चलिए अब यहाँ पे देखो इजरायली पुलिस है, इजरायली पुलिस ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है जो ज्यूस हैं, ठीक है, ज्यूस टू विजिट फ्लैश पॉइंट जेरूसलम साइट, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम अभी देखने को मिली थी हमें इसराइल में, ठीक है, इसराइल और आपके जो फलस्तीन है उसके बीच में, ठीक है, फलस्तीन में भी जो आपका हमास मिलिटेंट ग्रुप है उनके बीच में यहाँ पे काफ़ी हद तक हमें यहाँ पर लड़ाई देखने को मिली थी, 11 दिन की इतनी लंबी लड़ाई चली थी जिसके तहत भी यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे जो आपकी इजरायली पुलिस है वो एस्कॉर्ट कर रही है करीब 250 से भी ज़्यादा, ठीक है, 250 से भी ज़्यादा ज्यूइश विजिटर्स को, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो इनकी होली साइट है जेरूसलम वहाँ पर जाने वाले हैं। अभी वहाँ पे हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है कि क्लैशेस हुए थे पुलिस और जो आपके पैलेस्टीन प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में, और जिसने ट्रिगर कर दिया था एक पर्टिकुलर वॉर कहाँ पर, गाजा के अंदर, जो गाजा पट्टी है वहाँ पर आपकी यहाँ पर क्या हो गया था कि काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, 11 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें आपका जो गाजा के मिलिटेंट ग्रुप है हमास, ठीक है, हमास रूलर्स हैं वो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने यहाँ पे इतने सारे रॉकेट जो थे, जो आपका सदर्न पार्ट है इसराइल का सदर्न पार्ट, वहाँ पर बहुत सारे रॉकेट्स यहाँ पर छोड़े गए थे उनके द्वारा, ठीक है, और उसी के यहाँ पर उसी के रिटेलिएशन में आपका जो इसराइल था, इसराइल ने यहाँ पर कर दी थी एयर स्ट्राइक, और एयर स्ट्राइक की वजह से जो आपका गाजा था वो काफ़ी हद तक वहाँ पे जो पब्लिक थी, जो लोग थे, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह थी, प्रॉपर्टीज थी, वो सब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई थी, और यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने दोनों के बीच में शांति बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है, जिसमें आपका इजिप्ट, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इजिप्ट का यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल रहा था, इजिप्ट यहाँ पे एक प्रॉपर मीडिएटर बन के दोनों के बीच में सामने आया था एंड विच वॉज अ वेरी गुड पॉइंट जो कि यहाँ पे रेस किया गया था किसके द्वारा, इजिप्ट के द्वारा। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे देखो तो ये पर्टिकुलर बात करी गई है आपका जो अल अक्सा मॉस्क है वहाँ पर ये दंगे हुए थे जिसकी वजह से क्या हुआ था कि यहाँ पर इन लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो यहाँ पर हर्ट हो गए थे और इसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी हद तक लड़ाई हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो नो एक्सेस टू इमेजेस ऑफ आर न्यूक्लियर साइट्स। तो देखिए ईरान के द्वारा यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज बोली गई है, बिल्कुल सही हरमन, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हेल्थ है तो आपके पास सारी चीजें हैं, ठीक है, हेल्थ है तो इकोनॉमी भी रिवाइव हो जाएगी, हेल्थ है तो पढ़ाई भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। चलो अब आ जाते हैं हम अपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे। देखो आर्टिकल क्या कह रहा है कि ईरान ने साफ साफ बोल दिया कि भैया देखो आप हमारी जो इमेजेस हैं,
ठीक है, जो न्यूक्लियर साइट्स की इमेजेस हैं वो आप नहीं ले सकते हो, जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं उन्होंने संडे को साफ साफ बोला है इंटरनेशनल इंस्पेक्टर को दैट यहाँ पर वो नो लॉन्गर दे विल नॉट गिव एनी एक्सेस, कोई भी सर्वेलेंस इमेजेस वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाएंगी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूक्लियर साइट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बेसिकली क्या है कि आपकी जो ईरान न्यूक्लियर डील है, आप लोगों को पता होगा ईरान न्यूक्लियर डील थी जिसके तहत आपके जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे यानी कि यूएस के द्वारा यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो डील थी आपकी स्टार्ट करी गई थी, क्यों, क्योंकि ईरान में ना यूरेनियम बहुत है, यूरेनियम बहुत है और ईरान अपने इस यूरेनियम का एनरिचमेंट थोड़ा सा कम करे इसके लिए यहाँ पर ये डील स्टार्ट करी गई थी कि एनरिचमेंट थोड़ा सा कम कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये पर्टिकुलर डील आपकी 2015 में बैरक ओबामा के द्वारा यहाँ पे शुरू करी गई, पर जब आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, ठीक है, तो ये तो पता नहीं घोड़े पे ही सवार थे, तो उन्होंने बेसिकली साफ साफ मना कर दिया कि भैया नहीं, हम इस पर्टिकुलर डील का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, और ईरान पे उन्होंने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। उसके बाद जो आपका ईरान था, आप देखो उस पे सैंक्शन तो लग गए थे, ठीक है, और ईरान ने फिर क्या किया कि उसने खूब अच्छी तरीके से यूरेनियम का एनरिचमेंट किया, ठीक है, जो भी मतलब वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो भी न्यूक्लियर चीज़ें थी वो बना सकता था उसने बनाई। अभी यहाँ पर साफ साफ बहुत मतलब जैसे आपके जो बिडेन आए, ठीक है, जो हमारे नए यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने यहाँ पर आए और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं भैया हमें तो ईरान न्यूक्लियर डील का पार्ट बनना है, हमें इसमें आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये कोशिश करी, बस यहाँ पर क्या है कि अब ईरान थोड़ा सा अपने मतलब वो थोड़े से टैंट्रम्स वगैरह हैं वो दिखा रहा है, ठीक है, और उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया कि हम यहाँ पे कोई भी सर्वेलेंस नहीं देंगे पिक्चर्स वगैरह पे, ठीक है, आप लोगों को अब हम कोई भी पिक्चर्स यहाँ से लेने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बाकी सारी कंट्रीज हैं जो आपकी न्यूक्लियर डील में आती हैं, आपका यूएस हो गया, यूके है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है और ईरान तो है ही है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब यहाँ पे खबर है कि जो लिथुआनिया है, लिथुआनिया क्विट्स डिवाइसिव चाइना ग्रुप, ठीक है, तो लिथुआनिया ने संडे को, अब बेसिकली लिथुआनिया जो है वो आपकी बाल्टिक कंट्री है, ठीक है, बाल्टिक कंट्री आपकी तीन है, वो मैं आपको भी मैप में दिखाऊंगी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो लिथुआनिया है उसने सैटरडे को ये चीज बोली है कि वो यहाँ पे क्विट कर रहा है चाइना के साथ 17+1 कोऑपरेशन फोरम को, ठीक है, विद सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। तो यहाँ पर ये आपकी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स भी इसका पार्ट थी, ठीक है, जो कि इंक्लूड करते हैं अदर यूरोपियन मेंबर्स को। तो यहाँ पर इसने बोला है कि वो एक डिवाइसिव कर रहा है यहाँ पे, तो जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उन्होंने अर्ज की है अपने फेलो यूरोपियन मेंबर्स से कि वो यहाँ पे दे शुड टू परस्यू अ मच मोर इफेक्टिव 27+1 अप्रोच एंड कम्युनिकेशन विद चाइना, ठीक है। तो जो लिथुआनिया है वो नो लॉन्गर दे विल कंसिडर इट सेल्फ अ 17+1 फॉर्मेट मेंबर एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इनिशिएटिव, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो इसका पार्ट नहीं होंगे और इस पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है उसका पार्ट वो नहीं होना चाहते हैं। ऑल राइट, तो इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनका नाम है गैब्रिलियस लैंडबर्जेस, ठीक है, तो उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ बोली। आप देखो जो आपकी बाल्टिक कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ, देखो ये बाल्टिक कंट्रीज जो हैं वो है आपकी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है, ये तीन जो कंट्रीज हैं आपकी इनको हम बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। कैसी कंट्रीज है ये बेसिकली बाल्टिक कंट्रीज में आती हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग बाल्टिक सी देखोगे इनके पास है बाल्टिक सी, ठीक है, तो बाल्टी बाल्टी आप लोग ऐसे याद रख सकते हो बाल्टिक सी। ऑल राइट, तो ये तीन कंट्रीज जो हैं आपकी वो क्या है बाल्टिक कंट्री है। तो यहाँ पे आपकी एस्टोनिया आती है, एस्टोनिया की कैपिटल जो है तालिन है, और लातविया की कैपिटल रीगा है, कोस्ट ऑफ रीगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फिर लिथुआनिया की कैपिटल है आपकी वेलिनस, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे आ गया आपका एडिटोरियल। अब ये जो एडिटोरियल है बेसिकली हमने इसका आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इससे एडिटोरियल भी फॉर्म हो सकता है। अब ये जो गारंटर वाली बात हो रही है, ये बात हो रही है आपका जो पर्सनल गारंटर वाला जो इशू है ना, पर्सनल गारंटर वाला, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है कि जो पर्सनल गारंटर हैं भाई वो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहें कि अगर मान लो जब उनका व्यक्ति जो है जिसपे वो गारंटी ले रहे हैं जिसकी, ठीक है, जिसकी गारंटी ले रहे हैं, जिस भी एंटरप्रेन्योर की वो गारंटी ले रहे हैं, अगर वो यहाँ पर जिसका दिवाला निकल गया तो यहाँ पर ये जो पर्सनल गारंटर है इसको बीच में घसीट लिया जाएगा कि भैया तूने गारंटी ली थी अब तू बता तू यहाँ पर कैसे काम करके इनको बचा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं जिससे आप लोग कल को ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग आंसर राइटिंग कर पाओ। स्टार्ट करते हैं, देखिए ये आपका ना जीएस पेपर नंबर
टू से इम्पोर्टेंट है, थ्री के लिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसीज और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में देखो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने अपहेल्ड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 का जो एक नोटिफिकेशन था जो कि अलाउ करता था कि भैया जो लेंडर्स हैं वो यहाँ पे इनिशिएट करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को अगेंस्ट योर पर्सनल गारंटर। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ये जो नोटिफिकेशन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 का, ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है ये अलाउ करता है कि जो लेंडर्स हैं वो यहाँ पे इनिशिएट करें इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके आईबीसी की, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के बारे में हो रही है। तो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स करें किसके अगेंस्ट में, पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे अलाउ करता है कि जो लेंडर्स हैं वो यहाँ पर रिकवर करें, दे शुड इट विल अलाउ द लेंडर्स टू रिकवर देयर रिमेनिंग डेट फ्रॉम द पर्सनल गारंटर। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ए और ये व्यक्ति है बी, तो बी ने ली ए की गारंटी कि अगर यहाँ पर ये 100 रुपये नहीं चुका पाया तो इसके 100 रुपये मैं चुकाऊंगा, ठीक है, ये गारंटी ले रहा है इसकी। तो बाद में जो व्यक्ति है जिसको 100 रुपये चुकाने हैं, इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये चुकाए, तो इसको 90 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने गारंटी ली थी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको यहाँ पर भरने पड़ेंगे इसके पैसे। तो वही बात कही गई है कि जो आपका लेंडर है, लेंडर यहाँ पर अगर रिकवर नहीं कर पाता है अपने रिमेनिंग डेब्ट को, तो यहाँ पर पर्सनल गारंटर जो है, तो फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो जो ये व्यक्ति है ये इसके पूरे करेगा पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सीआईआरपी है, तो बेसिकली इट इज़ अ रिकवरी मैकेनिज्म जो कि अवेलेबल कराता है टू क्रेडिटर्स एज अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ओके, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो देखो पर्सनल गारंटर क्या है। पर्सनल गारंटर एक पर्सन है, एक एंटिटी है जो कि प्रोमिस करता है पेमेंट किसी और व्यक्ति के डेब्ट का, कि मतलब मान लो कि इसका दिवाला निकल गया तो ये फेल हो गया पे करने पर, तो मैं इस पर पे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था 2019 में, तो बेसिकली ये बोल रहा था कि यहाँ पर जो पर्सनल गारंटर्स हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली जो कंपनीज वगैरह हैं जो यहाँ पे फेस कर रही हैं इंसॉल्वेंसी को, ठीक है, तो ये जो प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं उसके अंतर्गत इनको प्रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 1 जो है आपका आईबीसी कोड का, वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नोटिफाई करे डिफरेंट प्रोविजंस को ऑफ द कोड एट डिफरेंट डेट्स, और इसको अलाउ करने का and to allow its implementation bit by bit. तो ये जो rules हैं, जो regulation है, they lay down the process for initiating insolvency resolution, bankruptcy, proceeding against the personal guarantors to cooperate debtors, inviting claims from the creditors, withdrawal of such application, etc. Okay. इसके बाद देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली जो प्रोसीडिंग्स वगैरह आपकी चलती हैं उनके बारे में बात करी गई है। तो ये जो नए रूल्स हैं आपके, ये जो नए रूल्स हैं ये अलाउ करते हैं क्रेडिटर्स को, ठीक है, नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये क्रेडिटर्स को यहाँ पे अलाउ करते हैं टू साइमल्टेनियसली प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल बोरोवर, जैसे कि आपकी कंपनी हो गई, ठीक है, और जो आपका पर्सनल गारंटर हो गया, बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। फिर अंटिल यहाँ पर क्या हो गया, जो आईबीसी कोड है आपका, इट ओनली कवर्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ योर कॉर्पोरेट डेब्टर्स, और यहाँ पर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो यहाँ पर जो आईबीसी के प्रोविजंस हैं उनको सिलेक्टिवली लाइट टू पर्सनल गारंटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेब्टर्स। उसके बाद यहाँ पर जो सिंगलिंग आपकी, सिंगलिंग आउट ऑफ गारंटर्स है, इट इज़ अ वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा है इस पे, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग कनेक्शन रहा है, देयर वाज एन इंटरेस्टिंग कनेक्शन बिटवीन पर्सनल गारंटर एंड द कॉर्पोरेट डेप्टर, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर क्या है, इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। तो अगर देखा जाए सेक्शन 60 जो है आपके आईबीसी कोड का, वो रिक्वायर करता है यहाँ पे बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर और उसका जो पर्सनल गारंटर है उस पे, ठीक है, टू बी हेल्ड बिफोर अ कॉमन फोरम। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी है वो बेसिकली यहाँ पे ये जो अथॉरिटी है ये बेसिकली है आपके पर्सनल गारंटर की लिए, ठीक है, एंड दिस विल बी द एनसीएलटी इफ पैरेलल रेजोल्यूशन प्रोसेस इज पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेब्टर फॉर हुम द गारंटी इज गिवन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो साइड बाय साइड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स हैं वो यहाँ पे बिफोर द सेम फोरम फॉर बोथ द कॉर्पोरेट, तो दोनों के लिए यहाँ पे बराबर की रहेंगी, आपका चाहे डेप्टर हो चाहे आपका पर्सनल गारंटर हो, एंड दिस वुड हेल्प द एनसीएलटी कंसिडर द होल पिक्चर, ताकि उनको पता चले, जो आपका ट्रिब्यूनल है उसको बेसिकली पूरी कहानी पता चले कि आखिरकार चीज़ है क्या, क्या बातचीत हो रही है, क्या नहीं, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट है आपकी गारंटी का, कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी है, तो ये जो गारंटी है इसको डिराइव किया गया है सेक्शन 126 से हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा, ठीक है, जो कि आपका 1872 में आया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जिसको विच इज बीन मेड अमंग द डेप्टर, क्रेडिटर एंड गारंटर। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये गारंटी का, ये किसके बीच में होता है आपका, डेप्टर के बीच में, क्रेडिटर होता है जो, ठीक है, जो क्रेडिट लगा रहा है यहाँ पे, और जो गारंटर होता है, इन तीनों के बीच में होता है। और जो डेप्टर है वो यहाँ पे फेल हो गया रीपे करने का अपनी डेप्ट, ठीक है, क्रेडिटर को, तो यहाँ पे जो बर्डन होगा वो बर्डन सीधा सीधा आपके जो गारंटर है उसके ऊपर आ जाएगा कि भैया इसने पैसे पे नहीं करे, अब तू पैसे पे करेगा। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है आपका, क्रेडिटर रिजर्व्स द राइट टू बिगिन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, तो ये यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स है इनको यहाँ पर स्टार्ट करवा देगा अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर, क्योंकि उसका जो दोस्त था, जो डेप्टर था, वो यहाँ पे नहीं पे करवाया, उसका दिवाला निकल गया, अब तुम यहाँ पर पे करोगे। तो पॉसिबल बेनिफिट्स अगर देखे जाए तो क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो बाय इनिशिएटिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, क्या होता है कि अगर अगेंस्ट लगा दो आप पर्सनल गारंटर के, तो देर इज अ ग्रेटर लाइकलीहुड दैट दे वोंट वुड अरेंज फॉर द पेमेंट, यहाँ पर ये अरेंज करेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी जो आपका डेप्ट है उसको चुकाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी यहाँ पर छूट सकें। उसके बाद जो क्रेडिटर बैंक है, दे वुड प्रिपेयर टू टेक अ हेयरकट ऑफ फॉरगो, ठीक है, फॉरगो द इंटरेस्ट अमाउंट सो एज टू इनेबल एंड इक्विटेबल सेटलमेंट, तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक सेटलमेंट वाली बात होती है, ठीक है, एंड इट वुड रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ असेट एंड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल राइट, चलिए अब यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी है और बैंक्रप्सी, ये दोनों टर्म्स क्या है ये मैं आपको बता दूँ। देखो इंसॉल्वेंसी क्या है आपकी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है, जैसे कंपनी ने लोन वोन लिया है बैंक से, ठीक है, और वो यहाँ पर उसे रीपे नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका जो जो भी उसने लोन लिया है, जिस भी तरीके से लिया है, जिस भी कंपनी के लिया है, वो यहाँ पर पे नहीं कर पा रहा है उसको, ठीक है, असमर्थ है पे करने के लिए, तो हमें उसे बोलेंगे इंसॉल्वेंसी है। बैंक्रप्सी की बात करें तो देखो बैंक्रप्सी एक सिचुएशन है जहाँ पर क्या होता है, जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन है, वो यहाँ पर डिक्लेयर करती है कि ये जो पर्सन है, ये जो एंटिटी है, ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है, इसके पास कोई भी तरीके से यहाँ पे पैसे नहीं है अपनी पर्टिकुलर डेब्ट को पे करने के लिए, ठीक है, तो इनेबिलिटी है यहाँ पर, ये नहीं पे कर पाएगा। ऑल राइट, तो ये बेसिकली आपके हो गए, ये पूरा इशू इसी पे है, आप लोग इसको एक बारी पढ़ लेना, ठीक है, और जो इसकी PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि टेलीग्राम चैनल है स्टडी IAS ऑफिशियल का, उस पे मैं आपको इसको कर दूंगी प्रोवाइड। ऑल राइट, चलो, वैसे रेगुलर PDF आपको वहीं से मिल जाती होगी, ठीक है, आई होप सब वहां से PDF डाउनलोड कर लेते होंगे, हाँ या ना बताओ जल्दी, कर लेते हो सब डाउनलोड वहां से। चलो अब यहाँ पे देखो अगला जो एडिटोरियल है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बट हाँ एडिटोरियल है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जूम करके दिखाती हूँ, देखो भाई ये बात कर रहे हैं रिकैलिब्रेट करने की ग्रोथ को, रिप्रायोरिटाइज करने की एक्सपेंडिचर्स को, तो साफ साफ समझ गए होंगे आप लोग, ये बात हो रही है भाई आपके कोविड की वजह से, ठीक है, तो कोविड के प्रस्पेक्टिव में ये बात करी गई है। यहाँ पे बोला है कि हमें टोटल एक्सपेंडिचर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो बजटेड लेवल है, ठीक है, और बजटेड लेवल करना चाहिए, बजट का जो लेवल है वो ठीक करना चाहिए हमें, उसके बाद जो मास वैक्सीनेशन है उसको एक प्रायोरिटी देनी चाहिए। मास वैक्सीनेशन होगा तो यहाँ पे जो केसेस हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली जो सेकेंड वेव आई है अभी करंटली जो इंडिया में चल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे लॉकडाउन कर रहे हैं, और लॉकडाउन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ यहाँ पे तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो तब भी रोड होगी, क्योंकि संक्रमण का जो एक लेवल है वो बढ़ता जाएगा, आज 10 लोग संक्रमित हुए हैं, कल उनकी वजह से क्या होगा कि और 10 लोग हो जाएंगे, तो वो 10-10 करके 100-100 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आज नंबर अगर हम देखें तो 4 लाख हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसी डर की वजह से स्टेट्स जो हैं आपकी मजबूर हैं, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन किया। अब ये जो लॉकडाउन है इसकी वजह से आप लोगों को पता है कि जो हमारे एक तरीके से जो हम लगा के एक अनुमान लगा के चलते कि जो हमारी इकोनॉमी है वो अब बूस्ट हो जाएगी, वो अब रिकवर हो जाएगी, क्योंकि 2020 से यही अनुमान लगाया गया था कि अब जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट अप हो जाएगी, हमें इतना इशू नहीं आएगा, पर 2021 में, क्योंकि देखो प्रिडिक्शन यहाँ पे फेल होते हुए देर नहीं लगती है, पिछले साल प्रिडिक्ट किया कि हमारी नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वी विल रिकवर, बट ऐसा नहीं हो पाया। 2021 में जो स्थिति आई वो और भी बेकार है, इस बारी जो केसेस हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो और भी ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि
बिल्कुल भी यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाना गलत है, क्योंकि हम लोगों ने प्रिडिक्ट यही किया था कि हम ऐसी ऐसी चीजें होंगी। तो यहाँ पर क्या है कि COVID-19 की वजह से इंड्यूस हुआ है इरोजन। तो अगर देखा जाए जो हमारी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो बेसिकली क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, तो यहाँ पर बोला गया था कि जो हमारी GDP ग्रोथ है, ठीक है, वो करीब 12.5% हो जाएगी। बट रिस्पेक्टिव अभी यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी हद तक कम है, ठीक है। जो मूडीज के द्वारा भी यहाँ पे इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो यहाँ पे बताई गई थी 9.3। तो यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो हम लोग कहीं हद तक बहुत क्लोज थे, ठीक है, कहीं हद तक बहुत क्लोज थे। बट यहाँ पर जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो अजम्पशंस हमने क्रिएट किए थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, सो सेकेंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर है वो हमारा यहाँ पे बेटर हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी वो और भी ज़्यादा बेकार होती हुई नज़र आई है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो हैं आपकी बताई गई हैं, जितने भी आपके पहले के जो नंबर्स हैं, जो जो एक पर्टिकुलर आंकड़े हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। और दूसरी चीज़ ये बोली गई है, देखो इन सारी चीज़ों को हम बहुत बारी डिस्कस करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या है कि ये लोग बोल रहे हैं कि जो मास वैक्सीनेशन है, अगर उससे क्या होगा, अगर मास वैक्सीनेशन होगा, देखो मास वैक्सीनेशन हो भी कैसे पाएगा, यहाँ पर वैक्सीन की तो शॉर्टेज है। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि दिल्ली के अंदर क्या हो गया है कि जो वैक्सीन हैं, ठीक है, उनको होल्ड कर दिया गया है। जो 18+ है, 18+ to 44 है, उनके लिए जो वैक्सीन का एक पर्टिकुलर जो आपका क्या बोल सकते हैं, हाँ, जो वैक्सीन लग रही थी वो यहाँ पर कम्प्लीटली हॉल्ट कर दी गई हैं। हॉल्ट क्यों करी है, क्योंकि वैक्सीन की चल रही है शॉर्टेज। अब यहाँ पे जो वैक्सीन की शॉर्टेज है, तो हाउ कम आप बोल सकते हो कि यहाँ पर मास वैक्सीनेशन होना चाहिए, हर जगह वैक्सीनेशन प्रोवाइड होना चाहिए, लोगों को जल्दी जल्दी वैक्सीन लगनी चाहिए, ताकि हमारी जो अभी की हाल फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है वो यहाँ पर नॉर्मलाइज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर स्पॉटलाइट इसी चीज़ पर बन गई है कि इंडिया के अब आगे के स्टेप क्या होने वाले हैं, क्योंकि हम अभी जो चल रहे हैं ना, जो सिचुएशन हमारी है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही है। और इस टाइम पे हमें बहुत अर्जेंट नीड है कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन हैं उनका प्रोडक्शन रैंप अप होना चाहिए। हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल बेड्स हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों को ऑक्सीजन की जो कीमत है वो पता चल गई है साफ साफ ऑक्सीजन की कीमत इंडिया में पता चल गई। हेल्थ सिस्टम के बारे में पता चल गया। अगर देखो हमारा GDP चाहे कितना भी हो, सरकार तो सिर्फ उस पर 1% ही खर्च करेगी हमारी हेल्थ पे, और इसकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का वो बहुत डूबा हुआ है, वो डूबा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर हमें जो एक मेडिकल एड लेनी पड़ी करीब से करीब आपके 40 नेशन से, ठीक है, हर तरीके की ज़रूरत यहाँ पे हम लोगों को हर तरीके की मदद देनी गई, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट्स भी नहीं है, जो कि अब सेटअप किए जा रहे हैं। वैसे सरकार बहुत दावे करती है कि हम ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, एंड फाइनली ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ क्या आती है, देखो यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं, पब्लिक की भी कहीं हद तक गलती थी, क्योंकि हम लोगों ने अभी मास गैदरिंग वगैरह में जाना शुरू कर दिया था, मास्क पहनना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि सबको लगा था कि अब तो हमारे यहाँ से वायरस चला गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे हाल फिलहाल में जिसने हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें अपनी इकोनॉमी एज वेल एज जो हमारा देश में हेल्थ है, हेल्थ सिस्टम है, उन दोनों को ही यहाँ पे बचा के रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हेल्थ भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है। तो दो प्रायोरिटी हैं, उन प्रायोरिटी को यहाँ पे मिक्स करने की जगह दोनों को अलग अलग रख के यहाँ पर सही तरीके से उन पर निर्देश अनुसार यहाँ पर उनको प्रायोरिटी बना के अगर हम उस पर काम करें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। और जिस हिसाब से देखो इंडिया की पॉपुलेशन है, यहाँ पर ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि हमें एक स्पीडी और लार्जर वैक्सीनेशन कवरेज देना चाहिए, ताकि जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर एक जो इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है अभी, वो इकोनॉमिक डैमेज हमें फेस नहीं करना पड़ता। ऑल राइट, चलो अगले एडिटोरियल पे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पर बात हो रही है कि भैया एक और चैलेंज है, एक तो आपका सेकेंड वेव तो आई, ठीक है, वो तो एक परेशानी थी, अपने साथ लेकर आ गई एक ब्लैक फंगस को, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रही है, एक तो एक आपकी ब्लैक फंगस हो गई और दूसरी आपकी वाइट फंगस, दोनों ही मिलकर यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को बना रही हैं ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ही बना रही है दोनों मिलकर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल, जो कोविड का जो ये आपका जो सेकेंड वेव आई है ना, वो लोगों की केयरलेसनेस तो है ही,
बहुत केयरलेस हो गए, कुंभ मेला हो रहा है तो कुंभ में जा रहे हैं, ठीक है। एंड इवन अभी जो गंगा आई थिंक कुछ हुआ था, ठीक है, देयर वाज समथिंग जो अभी रिसेंटली हुआ था शायद, ठीक है, उसमें भी वो भी भरे, मतलब आपके इतने केसेस आ रहे हैं, खूब भरा हुआ, पैंडमिक है, महामारी चल रही है और लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो भैया, अभी तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से यहाँ पे हमें बहुत ये प्रॉब्लम देखने को मिली। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम म्यूकोमाइसिस के बारे में, इसके बारे में मैं बहुत बारी डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो क्या है ये फंगस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में हाल फिलहाल में इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है जो लोगों की बॉडी में फैलता जा रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में बोला गया था स्टेट द्वारा कि भैया इसको यहाँ पर एपिडेमिक डिजीज के अंतर्गत यहाँ पे से एपिडेमिक घोषित कर देना चाहिए, इसे भी महामारी बता देना चाहिए। क्यों बता देना चाहिए, क्योंकि देखो ये ब्लैक फंगस तो दिख ही रही थी लोगों के अंदर, अभी व्हाइट फंगस ना बिहार में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, बिहार में इसके केसेस आए हैं 4 कि भैया व्हाइट फंगस भी यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से जो आपका मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत बढ़ता हुआ नजर आया, केसेस आपके जा रहे हैं 4 लाख से करीब केसेस जा रहे हैं, उसी के साथ साथ आपका ये पर्टिकुलर म्यूकोमाइसिस लोगों के अंदर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी किन लोगों में हो रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, जिनकी बॉडी के अंदर जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ठीक है, और उनको स्टेरॉइड वगैरह लेने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जो आप लोग जब ब्रीथ करते हो तो जो आपके फंजाई स्पोर्स वगैरह होते हैं वो उससे भी यहाँ पे क्या होता है इन्फेक्शन कॉज हो जाता है आपके लंग्स में, साइनस में, ठीक है, और जिसे साइनस की प्रॉब्लम होती है उनको तो यहाँ पे बहुत बच के रहना चाहिए। जिसको डस्ट वगैरह से एलर्जी है उन पेशेंट्स को तो यहाँ पर बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो मोर ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें ये इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो सकता है यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे चाहे आपके जिनको किडनी इशू हो, ठीक है, किडनी इशू हो, ट्रांसप्लांट वगैरह हो गया हो, पोस्ट ट्रांसप्लांट चल रहा हो, तो क्या होता है कि उनके लिए भी यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर जो बीमारी है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर आपका यहाँ पे कोई कट हो, कोई वाउंड हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके थ्रू यहाँ पर क्या है कि ये जो फंगस है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी, और उसके बाद देखो इसके सिम्टम्स बहुत क्लियर है, आपका एक आधा फेस जो है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, आपको ब्लैक लाइंस देखने को मिलेंगे एंड नम हो जाएगा फेस आपका, स्वेल तो होएगा ही होएगा बट उसके साथ नम हो जाएगा, ठीक है, और आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी जो लंग्स हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर होती हैं इफेक्ट इस इन्फेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए आपके एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। और दूसरा देखो क्या है कि जो COVID-19 पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे रिकवर हो सकें। और जब आप स्टेरॉइड्स पे एक तरीके से डिपेंडेंसी हो जाती है आपकी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो यहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सेल्फ मेडिकेशन करेंगे खुद ब खुद अपने आप से सारी चीज़ें करते रहेंगे तो वो यहाँ पे काफ़ी हद तक घातक हो सकती हैं। और इस टाइम पे तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम करनी चाहिए। इसका डायग्नोसिस है, ठीक है, ट्रीटमेंट भी है, प्रिवेंशन भी है। प्रिवेंशन कैसे है, देखो डस्ट वाली जगह पे मत जाओ, जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है वहाँ मत जाओ, अगर मोल्ड वगैरह है मोल्ड वगैरह से दूर रहो जितना दूर रह सकते हो, ठीक है। और अभी बेसिकली क्या है, देखो मास्क पहन के चलो, सारी चीज़ें हैं सब आपसे दूर रहेंगी, बार बार हाथों को सैनिटाइज करो, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे मत जाओ, अगर जिसको भी यहाँ पे डस्ट वगैरह इन सारी चीज़ों से एलर्जी है, इन मोल्ड्स वगैरह से एलर्जी है तो दूर रहिए, ठीक है, दूर रहोगे सुरक्षित रहोगे। ऑल राइट, चलिए अब यहाँ पे देखो अगला एडिटोरियल है आपका, ये है आपका आखिरी एडिटोरियल। अब ये जो एडिटोरियल है ये यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं इको टैक्स के। इको टैक्स क्या है, बेसिकली आपका जो एनवायरमेंटल टैक्स है, ठीक है, उसके बारे में बात करी जा रही है, जो आपकी एनवायरमेंटल फिस्कल रिफॉर्म्स हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो यहाँ पर रिड्यूस करेंगे पोल्यूशन को, जनरेट करेंगे रिसोर्सेज को फॉर योर फाइनेंसिंग हेल्थ सेक्टर, ठीक है। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था पैंडेमिक रिलेटेड स्टिमुलस पैकेज, ठीक है, एंड दिस वॉज फॉर ईयर 2020-2021 के लिए, थ्रू दैट वॉज अ वेरी लार्ज डिक्लाइन इन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, हमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली थी। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर फोकस करें कि हम मेंटेन करेंगे अपने फिजिकल डिसिप्लिन को, ठीक है, और यहाँ पे एक जो पेक्यूलर सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे सस्टेन करेंगे कि अपना जो हेल्थ फाइनेंसिंग है उसको काफ़ी हद तक यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर अपनी हेल्थ वगैरह सारी चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए, और बाकी
बाकी ये जो एडिटोरियल है, अगर मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगी तो क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसको खुद ब खुद रीड करें, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है, बता देना अगर कोई खासा आपको इश्यू होता है इसको पढ़ने में, ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ इसको कवर कर लूंगी। बहरहाल ये आपका होमवर्क है कि आप लोग इसको खुद ब खुद रीड करोगे तो आप लोग खुद इससे क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो आज आप लोगों के लिए जितने क्वेश्चन मैंने बीच बीच में पूछे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, बाकी हाल फिलहाल मैं वैसे क्वेश्चंस कोई लेकर नहीं आई हूँ। ऑल राइट, चलो और आप लोग मेन्स आंसर राइटिंग वगैरह करते रह सकते हो। आप लोग देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, स्टडी आईएएस का एक मेन्स आंसर राइटिंग ग्रुप है। इफ यू राइट योर आंसर्स, अपने आंसर्स वगैरह अगर आप लोग लिखते हो तो डू वन थिंग, यू कैन शेयर दोज आंसर्स ऑन स्टडी आईएएस मेन्स आंसर राइटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग अपने आंसर्स वगैरह हैं उनको दे सकते हो, सो दैट आपके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे चेक हो सके, ठीक है। और कम से कम एक दिन तो आप लोगों को आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे आप संडे को करो चाहे किसी भी दिन कर लो। वैसे बेसिकली संडे वाला जो दिन है वो आपको अपना थोड़ा सा एक तो पर्टिकुलर रूटीन बना लो। तो रूटीन में क्या है कि जो संडे का दिन है ना उसको एकदम अलग रख लो, कि संडे वाले दिन हम लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर करनी चाहिए। तो आप लोग अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो आप लोग अपने आंसर्स इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके जो आंसर्स हैं उनको एनालाइज कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको एनालाइज करके फिर आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या कमी नहीं है, ठीक है, किस तरीके की आपकी आंसर राइटिंग है। ऑल राइट, चलिए, वैसे आपके जो एडिटोरियल्स रेगुलरली आते हैं आप उनको पढ़ो, ठीक है, उनसे यहाँ पे आंसर राइटिंग फॉर्म करने की कोशिश करो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे कल, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू। और आपका जो करंट अफेयर्स डिकोडेड है उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम मिलते हैं कल। ऑलराइट, चलो, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।